हमारे प्रधानमंत्री नमूना है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी मिला नहीं था और न शायद भविष्य में मिला। अकेले पीस हैं। अब बताइए, काला कपड़ा जो है वो मैंने शोक का या प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हम भी इससे सहमत नहीं है कि काला कपड़ा, खादी जो है गांधी का और कांग्रेस का हथियार था आज़ादी की लड़ाई में, खादी को ही सामने रख करके लड़ना चाहिए था। लेकिन काला कपड़ा जो है वो मैंने शोक का और प्रोटेस्ट का प्रतीक है। कोई भी नेता आता है उसका विरोध करना होता है, आदमी काला कपड़ा दिखा करके विरोध करता है। तो उस मकसद से जो काला कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, इसको काला जादू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये काला जादू, पीला जादू जो है आरएसएस और जो वाजपेयी लोग हैं वही लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोगों को काला जादू का असर नहीं होता है, न काला जादू के असर में विश्वास है। नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का वोट लिया। उन्होंने जो भाजपा पर तंज कसा कि 2024 के चुनाव के में चिंता करनी चाहिए उनको, उन्होंने कहा कि जो 2014 में जीता है अब 2024 की चिंता उनको करनी चाहिए कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आज के दिन जो बिहार में एक समीकरण बना है, ये दोनों गठबंधन हुआ है, उसका आज एक सीट भी नहीं दिखाई देता है लोकसभा का जो भारतीय जनता पार्टी जीत के जा सकती है। ये जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, आज जो है नीतीश कुमार आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गए, उसके बाद जो है कौन सी जगह बसती है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में, वो समझिए कि बिहार में निष्कासन का ही मैंने परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बन गई है। उसकी चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, हम लोगों की चिंता वो मत करें। नीतीश कुमार 2020 में सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया। आरसीपी सिंह ने बीजेपी के एजेंट बनकर जेडीयू में आए, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, हम आयकर सीबीआई और ईडी से नहीं डरते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा को जवाब दिया। जिस ढंग का माहौल जो है देश में बना हुआ है और जिस ढंग से मैंने ये सरकार काम कर रही है, दिल्ली की सरकार और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अब देखिएगा मैंने प्रायः ईडी का इस्तेमाल जो है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ हो रहा है और देश भर में हो रहा है। और जो यानी जिसके खिलाफ ईडी जांच कर रही है, अगर वो इस बीच में चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास तो पाक साफ हो जाता है। अब देखिए आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत शर्मा, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं, सबसे बड़े इनके नेता हैं, शारदा चीट फंड में उसने सीबीआई ने इनसे पूछताछ किया, इनके घर पर छापेमारी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज उनके सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये इस माहौल में नीतीश कुमार ने जो पिछले 15-16 वर्षों से शासन कर रहे हैं उन्होंने हिम्मत किया, तो ये वाकई जो है ये साधारण बात नहीं है। ये आप देखिएगा पहली घटना हुई है, इधर से टूट के लोग उधर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन उधर से इतनी बड़ी टूट जो है ये पहली दफा हुई है। तो ये देश के लिए शुभ संकेत है और हमको ऐसा लगता है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है इससे पूरे देश में जो चिंतित लोग हैं, जिस तरह का शासन जो है नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उनको राहत मिली होगी। एक महीने के अंदर गरीबों और युवाओं को बम्पर जॉब देंगे, तेजस्वी यादव ने वादा किया। ये तो 2020 का चुनाव था, तेजस्वी ने उसी समय कहा था कि हम जो है हमारी सरकार बनेगी और पहला जो है हस्ताक्षर होगा उसमें हम ये करने वाले हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी नीतीश जी से बातचीत हो गई है, अब दोनों से बातचीत हो गई है, नीतीश जी को तेजस्वी से इस विषय में ज़्यादा जानकारी होगी, उनकी सहमति हो गई इनकी और इनकी मांग हो गई, तो होना ही है। अब देखिए किस तरह से करते हैं लोग, हम लोग इंतजार करें उसका। साथियों, देश में सीएनजी नेटवर्क बढ़ाने और पाइप से सस्ती गैस घर घर पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। हमारे देश में 90 के दशक में सीएनजी स्टेशन लगने शुरू हुए थे,
8 साल पहले तक देश में सीएनजी के 800 से भी कम स्टेशन थे। घरों में पाइप से आने वाली गैस के कनेक्शन भी कुछ लाख ही थे। आज देश भर में 4,500 से अधिक सीएनजी स्टेशन है और पाइप से गैस के कनेक्शन का आंकड़ा 1 करोड़ को छू रहा है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो देश इस लक्ष्य पर भी काम कर रहा है कि अगले कुछ वर्षों में देश के 75% से ज्यादा घरों में पाइप से गैस पहुंचने लगे। साथियों, आज जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनें हम बिछा रहे हैं, जो आधुनिक प्लांट, जो फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं, इनका सबसे अधिक लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होगा। देश में ग्रीन जॉब्स के निरंतर नए अवसर बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज की समस्याएं हमारी भावी पीढ़ियों को कष्ट नहीं देगी। यही सही विकास है, यही विकास की सच्ची प्रतिबद्धता है। साथियों, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं ये राष्ट्र अहित है, ये राष्ट्र निर्माण नहीं राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए साफ नियत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नीति चाहिए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है और सरकार को बहुत सारी राशि निवेश करनी पड़ती है। जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं होगा, तो इथेनॉल प्लांट, बायोगैस प्लांट, बड़े बड़े सोलर प्लांट, हाइड्रोजन गैस के प्लांट जो आज लग रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हमें यह याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राष्ट्र तो हमेशा रहेगा, सदियों से रहता आया है, सदियों तक रहने वाला है, उसमें रहने वाली संतानें भी हमेशा रहेगी। हमें हमारी भावी संतानों के भविष्य को बर्बाद करने का हक नहीं है। साथियों, आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों ने भी इसी शाश्वत भावना से काम किया है। अगर वो भी तब अपना सोचते हैं,
अपना स्वार्थ देखते तो उनके जीवन में भी कोई कष्ट नहीं आता। वो कठिनाइयों से, गोलियों से, फांसी के फंदे से, यातनाओं से बच जाते, लेकिन उनकी संतानें यानी हम भारत के लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मना पाते। अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है, इसलिए एक देश के रूप में हमें यह संकल्प लेना है कि ऐसी हर प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं देंगे। ये देश का सामूहिक दायित्व है। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं, कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए सकारात्मक विश्वास की ऊर्जा इसी तरह पैदा होती रहेगी। एक बार फिर हरियाणा के कोटि कोटि साथियों को, किसान और पशुपालक बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार भी है। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व पर हर भाई अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराता है।
कल एक नागरिक के तौर पर भी हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराना है। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।